नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र के मुरली लगन में एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। निजी कंपनी में स्थायी नौकरी और शादी का प्रलोभन देकर शादीशुदा महिला के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। महिला के आरोप लगाने के बाद आरोपी युवक ने पीड़िता से शादी कर ली, फिर गर्भपात भी कराया और उसके बाद अश्लील वीडियो बनाकर वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। अब महिला न्याय के लिए थाने का चक्कर काटने को मजबूर है। सरायढेला थाना क्षेत्र के मुरली नगर इलाके की रहने वाली एक महिला ने महिला थाना में आवेदन देकर बांसफोड़ के रहने वाले रंजीत नामक युवक पे नौकरी और शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का केस दर्ज कराया है। पीड़िता अपने पति के साथ नहीं रहती है। पति से विवाद के बाद वो अपने दो बच्चों को लेकर अलग रहती है, जिसके बाद युवक रंजीत कुमार ने एक कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पे एक दूसरे से जान पहचान हुई। उसके बाद युवक शादी का झांसा देकर महिला के साथ यौन शोषण करने लगा। जब महिला गर्भवती हो गई, उसने मंदिर में जाकर शादी भी कर ली और पति पत्नी की तरह रहने भी लगा। युवक ने बार बार महिला का गर्भपात भी करवाया। अब वह युवक महिला के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। पीड़िता ने बताया कि लगभग एक माह बीत जाने के बाद भी थाने ने कोई कार्रवाई नहीं की। थाना जाने पे बार बार कार्रवाई की बात कही जाती है और सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। मंगलवार को भी पीड़ित महिला अपनी फरियाद लेकर महिला थाना पहुंची थी, जहां पे मौजूद मीडिया कर्मियों से न्याय की गुहार लगाई है। महिला थाना के ASI ने बताया कि इस मामले का सुपरविजन DSP के द्वारा किया जा रहा है। जब तक सुपरविजन नहीं हो जाता, तब तक कोई भी कार्रवाई करना मुश्किल है। हालांकि छापेमारी कई बार की गई, लेकिन आरोपी युवक फरार मिला। हम बहुत परेशान हैं भैया, इसीलिए क्योंकि राहुल कुमार बासफोर मेरे साथ में फॉरएवर कंपनी में प्राइवेट नौकरी दिलवा देंगे, वहां आपका एक अच्छा सैलरी होगा, ये बोल के मेरे साथ में यौन शोषण करके मेरा चार बच्चा खराब करवाया। और जब हम प्रेग्नेंट हो गए 2018 में, तो वो हमको सिंदूर दिया, और जब हम उसको बोल रहे हैं कि अपने साथ में हमको रखो, तो अब वो बोलता है कि मंदिर का शादी कोई शादी नहीं होता है, तुम्हारे पास में मेरे पास में तुम्हारा वीडियो है, वायरल करके तुमको बदनाम कर देंगे और ज़्यादा इधर उधर बात फैलाए तो तुम्हारे दोनों बच्चे का हत्या करके फेंकवा देंगे, जाओ जाके कहीं पर आत्महत्या कर लो तुम। उसके परिवार को जब इस बात का जानकारी दिए, तो वो लोग का भी कहना है कि मेरे बेटे से दूर रहो और नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। और उसका बड़ा भाई जो रोहित है, वो हर जगह पे रोक रोक के हमको गाली गलौज करता है और बोलता है तुमको नंगा करके पूरा न्यू कॉलोनी में घुमाएंगे, नंगा करके मारेंगे, गंदी गंदी गालियां देता है वो मुझे। उसमें कुछ दिनों से, दो साल से शादी संबंध बना रहा था लड़का। जब शादी करने का समय आया तो लड़का इनकार कर दिया, तो गायत्री देवी ने यहाँ पर FIR की है। FIR ने हम लोग सब कागज पत्र रेडी किए हैं, सुपरविजन का इंतजार कर रहे हैं। पीड़िता न्याय के लिए थाने के चक्कर काटने को मजबूर है। पीड़िता मुखर होकर न्याय की गुहार लगा रही है, फिर भी अधिकारियों के कानों पे जू तक नहीं रेंग रहा। इस तरह के मामले पे पुलिसिया कार्रवाई नहीं होने पे सवाल खड़ा होता है।